गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सिलेजिनेला अध्याय के दूसरे भाग में सिलेजिनेला की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, देखने के आधार पर जो जो चीजें आपको उसमें दिखाई देती हैं, जैसे जड़, तना एवं पत्ती में तो हम विभाजित करते ही थे। इसमें एक विशेष ऑर्गन या अंग जिसे हम राइजोफोर कहते हैं भी मिलता है, तो हम उसकी भी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। जो रूट हैं, वो तीन भागों से मिलकर बनी होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, उसके अंदर का पार्ट कॉर्टेक्स और सबसे अंदर स्टिलर रीजन। तो हम इसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत है, और इसकी कुछ कोशिकाएं, ये वाले देख रहे हैं आप, सबसे बाहरी है, सिंगल लेयर्ड है, लेयर है, और इसकी कुछ कोशिकाएं स्पर्श रूप से दीर्घित होती हैं। वह कुछ कोशिकाएं रूट हेयर्स बनाती हैं, सारी नहीं बनाती हैं, कुछ कोशिकाएं रूट हेयर्स बनाती हैं, क्योंकि रूट है तो उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इसका नीचे का जो भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, वल्कुट कहलाता है, जो कि मृदुत्की होता है। लेकिन कुछ जातियों में कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र की एक अथवा दो स्तरीय दृढ़ोत्तकी अधस्त त्वचा भी पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे ये जो आपको दिखाई, थोड़ा सा डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, एक या दो स्तरीय दृढ़ोत्तकी अधस्त त्वचा पाई जाती है। कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी लेयर ये देखें आप, जहां कॉर्टेक्स खत्म होता है उसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है ये एंडोडर्मिस कहलाता है। ये देखें आप, यहाँ पर कॉर्टेक्स खत्म हो चुका है। उसके नीचे का भाग जो है वो क्या कहलाता है भाई, स्टील रम्भ, ये क्षेत्र स्टील। तो आप देखें तो जड़ के केंद्रीय भाग में स्टीलर रीजन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर प्रोटोस्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है। ठोस रम्भ हमने लिखा भी है, ठोस रम्भ सबसे प्रिमिटिव प्रकार की रम्भ है, ठोस रम्भ जो कि पौधों में मुख्यतः या कॉमनली मिलती हैं, सामान्यतः मिलती हैं ठोस रम्भ। और ठोस रम्भ में भी ये कौन से प्रकार की स्टील है भाई, यहाँ पर देखें आप, हमने लाइकोपोडिया में बात की थी, वहां पर भी ठोस रम्भ थी, लेकिन वहां पर जाइलम जो थे वो डायार्क था और एक्सार्क था। यहाँ पर जाइलम देखें आप मोनार्क और एक्सार्क है, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ मेटाजाइलम, सॉरी इसमें अंदर की तरफ मेटाजाइलम है व बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, तभी ये कंडीशन एक्सार्क कंडीशन कहलाएगी। मोनार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई आपको आर्क नहीं दिखाई दे रही है, और क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और जो मेटाजाइलम के ग्रुप्स हैं वो अंदर की तरफ सिचुएटेड हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाएगी भाई, एक्सार्क। तो यहाँ ने लिखा है मोनार्क एंड एक्सार्क, हिंदी में इसको हम बोलेंगे मोनार्क को तो हम बोलते हैं एक आदिदारुख, और एक्सार्क को बोलते हैं बहिर आदिदारुख। तो उससे अच्छा इंग्लिश के टर्म्स आप याद रखें मोनार्क एंड एक्सार्क। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हुई रूट की। इसके बाद हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो करेंगे राइजोफोर की। हमने देखा कि राइजोफोर एक अलग ऑर्गन है जो कि सिर्फ हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलता है, और ये प्रश्न भी आता है कि राइजोफोर किस टेरिडोफाइट का पार्ट है या किस टेरिडोफाइट में मिलता है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, सिलेजिनेला। इसकी भी आंतरिक संरचना को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स और देन स्टेलर रीजन। और इसकी आंतरिक संरचना सिमिलर है रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर से, मतलब लगभग और लगभग ये रूट की जैसे ही हमें दिखाई देती है। कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में, अगर हम इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो यह जड़ के समान ही होती हैं। इन कोशिकाओं में की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती हैं, और राइजोफोर की
एपिडर्मिस में जड़ के समान मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रूट हेयर सब्सेंट हैं, जबकि हम रूट में क्या देखे थे अभी टेल स्ट्रक्चर में कि रूट हेयर्स प्रेजेंट है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, राइजोफोर में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम कॉर्टेक्स की बात करें तो उसके कॉर्टेक्स में भी बाहरी त्वचा के ठीक नीचे एक दृढ़ोत की अधस्त त्वचा मिलती है, जैसा कि हमने रूट में भी देखा था, और कॉर्टेक्स का भीतरी भाग मृदुत की होता है, और जड़ के समान अंतस्थ राइजोफोर में भी कॉर्टेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभाजित होती है। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर अंदर वाली लेयर ये वाली एपिडर्मिस एंडोडर्मिस कहलाती है, और एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर जस्ट नीचे से परिरंभ से क्या स्टार्ट होता है स्टेलर रीजन, तो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल पाई जाती है, और पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर भी जाइलम जो होती है यानी कि जो स्टीलर है स्टील है वो प्रोटोस्टील प्रकार की है, और जो जाइलम है वो भी मोनार्क और एक्सार्क प्रकार का ही है, और जाइलम के चारों तरफ ये वाला जो रीजन है देखो लाइट लाइट ये सारा फ्लोएम का है। तो जाइलम कैसा होता है भाई मोनार्क एंड एक्सार्क। लास्ट नॉट द लीस्ट बट इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम तने की आंतरिक संरचना का बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तने की आंतरिक संरचना बड़े प्रश्न नहीं लेकिन उससे छोटे प्रश्नों में एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पूछा जाता है और फिर भी वापस भी आ सकता है, और उसमें एक नंबर का प्रश्न भी बनता है कि एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं इसमें मिलती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अभी चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है भी कई बार। आप देखें तने की आंतरिक संरचना को भी हम एपिडर्मिस कॉर्टेक्स और रम्प इन तीन भागों में विभाजित करते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस, वो एक कोशिकीय मोटी परत होती है, और इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। एपिडर्मिस किससे कवर्ड रहती है भी क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, और बाह्य त्वचा में रंध्र अथवा किसी प्रकार के रोम नहीं पाए जाते हैं। जस्ट उसके नीचे यानी कि एपिडर्मिस के नीचे कौन सा रीजन होता है कॉर्टेक्स रीजन वल्कुटी क्षेत्र। एपिडर्मिस के नीचे दृढ़ोत की अधस्त त्वचा पाई जाती है हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और उसके नीचे का भाग होता है वो मृदुकीय वल्कुट का होता है, मृदुकीय वल्कुट पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है, और ये कोशिकाएं सहत रूप से व्यवस्थित होती हैं, इनमें आप देख सकते हैं किसी प्रकार का अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। अब इसका इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या कहलाता है भाई रंप कहलाता है। अब यहाँ देखें हमने अभी बात की थी रूट और राइजोफोर में कि जो इनर कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। यहाँ पर भी कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा भाई एंडोडर्मिस, लेकिन यहाँ पर रंप व कॉर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की अंतस्त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह ये कोशिकाएं रेडियली इलोंगेट होती हैं, अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, अतः इन्हें एक विशेष नाम दिया गया है ट्रैबिक्यूली। क्या बोलते हैं इनको भी ट्रैबिक्यूली। तो जो ट्रैबिक्यूली होती हैं वो सिलेजिनेला के तने का अभिलाक्षणिक लक्षण है, और वे होती क्या है भाई वे एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, अंतस्त्वचीय कोशिकाएं होती हैं जो रेडियली इलोंगेट हो जाती हैं, जो अरीय रूप से दीर्घित हो जाती हैं, इन्हें हम क्या नाम दिया है भाई ट्रैबिक्यूली। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बार बार पूछा गया है। तो आप देखें कि जो स्टील रीजन है उसमें विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं आपको, उसको हमने ट्रैबिक्यूली नाम दिया गया है। अब रंपों की संख्या की बात करें जो वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है, किन्हीं किन्हीं जातियों में केवल एक रंप होता है जैसे सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा, और जबकि सिलेजिनेला लेविकेटा में रंपों की संख्या 16 तक हो सकती है। इसके अलावा पौधे के विभिन्न भागों में भी रंपों की संख्या में असमानता हो सकती है। अब देखिए प्रत्येक जो रंप है वो स्टील जो है वो एक सुस्पष्ट पेरिसाइकिल से आच्छित होता है, जैसे एंडोडर्मल लेयर खत्म होती है उसके नीचे की जो लेयर होती है वो पेरिसाइकिल कहलाएंगी। वह जिन जातियों में केवल एक रंप होता है उन जातियों में जो जाइलम होता है वो डायार्क होता है और एक्सार्क होता है, लेकिन जब रंभों की संख्या में अधिकता हो जाती है तो प्रत्येक रंभ का जाइलम मोनार्क और एक्सार्क हो जाता है।
कैसा हो जाता है भाई, मोनार्क और एक्सार्क हो जाता है। स्तंभ में इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली क्या है भाई, ट्रेबिक्यूली कोशिकाएं पाई जाती है, ट्रेबिक्यूली का प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। लास्ट में हम इसकी पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना को भी हम तीन भागों में विभाजित करेंगे, एपिडर्मिस, मेसोफिल और स्टील रीजन या वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर एक छोटा सा वैस्कुलर बंडल या सामान पुल पाया जाता है। एपिडर्मिस की बात करें तो पत्ती की आंतरिक संरचना में एक ऊपरी तथा निचली सुस्पष्ट बाह्य त्वचाएं आपको देखने को मिलती हैं, और दोनों बाह्य त्वचाएं एक स्तरीय होती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और सहजनला की पत्तियां हैं क्योंकि ये तो इनमें रंध्र भी पाए जाएंगे जो निचली अथवा ऊपरी दोनों सतहों पर वितरित होते हैं। जबकि हमने लाइकोपोडियम में देखा था कि उसकी जो लीफ थी उसकी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट थे, यहाँ पर दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मेसोफिल की हम बात करें, ये देखो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है ये वाला सारा, वो मेसोफिल कहलाता है, पर्णमध्योतक कहलाता है। तो जो ये पर्णमध्योतक है वो सिलेजनला में अविभेदित होता है। कैसा होता है भाई, अविभेदित। लाइकोपोडियम में भी हमने देखा कि अविभेदित था, जबकि जो एडवांस्ड प्लांट्स हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं एंजियोस्पर्म्स की, उनके अंदर जो जो मेसोफिल होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, स्पंजी पेरेन्काइमा और पैलिसेड में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल मेसोफिल का टिश्यू प्रेजेंट है। इनकी कोशिकाओं के बीच बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, बड़े बड़े एयर स्पेसेस मिलेंगी, और इनमें प्याले पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और लास्ट में इनके बीच में देखें आपके एक संवनपुल पाया जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। ये देखो ये संवनपुल है छोटा सा, केंद्र में एक सुस्पष्ट बंडल शीत से घिरा एक समकेंद्री संवनपुल होता है। संवनपुल के केंद्रीय भाग में जाइलम होता है जो केवल वाहिनिकाओं से बना है, और वाहिनिकाओं में एन्युलर एंड स्पाइरल स्तुलन पाए जाते हैं। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम प्रेजेंट हो रहता है, एक वलय फ्लोएम का पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने सिलेजिनेला के सभी भाग जैसे जड़ तना पत्ती व राइजोफोर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेजिनेला के राइजोफोर की मॉर्फोलॉजिकल नेचर की स्टडी करेंगे। इस मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है, ये राइजोफोर होता क्या है, राइजोफोर है क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिए हैं और आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।